ध्यान में आ गया, आ जाओ कवरेज। हाँ ऑल नाइन स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ा था। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्निकल, सिस्टम, बिहेवियरल, कॉस्ट, एवरीथिंग। अब सबसे बड़ा जो उसमें टॉपिक है, हाउ वी आर डूइंग दी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ दी, हाउ वी आर डूइंग दी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हाउ वी आर डूइंग द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम कोई सा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो हम उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू। अगर मान लीजिए कि हमने कोई सॉफ्टवेयर लिया बनाने के लिए, वो मान लीजिए $2,00,000 में कंपनी ने, हम जो ऑर्डर अचीव किए $2,00,000 में हम उसको बना के देंगे, तो क्या $2,00,000 सरप्लस हो जाएगा कंपनी का खर्च, तब हमें फायदा मिलेगा, या कम होगा तब फायदा मिलेगा? ठीक है, देखो आप लोग पेज नंबर 52 अपने बुक का देख सकते हैं, अदरवाइज लिखना पड़ेगा थोड़ा देर। 52 पेज नंबर कि हम कॉस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, हाउ वी आर एनालिसिस द कॉस्ट ऑफ आवर प्रपोज्ड सिस्टम। लिखिए कॉस्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कॉस्ट। जब हम कोई सा सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और उसका कॉस्ट हम कैसे एनालिसिस करेंगे, ताकि हम बेनिफिट भी उसका हम निकाल सकें। कॉस्ट में के टू कंप्यूटर इक्विपमेंट, टू कंप्यूटर इक्विपमेंट, इसमें क्या होगा? न्यू कंप्यूटर इक्विपमेंट में मान लीजिए हमने 10 कंप्यूटर खरीदा, या उसको हमने किराए पे लिया, या और मान लीजिए 10 कंप्यूटर पे, 10 कंप्यूटर अगर आपकी पुरानी कंपनी है तो आपके पास 100 कंप्यूटर पहले से ऑलरेडी है, तो उसकी खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम उस 10 सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन चलेगा तो विदाउट सॉफ्टवेयर यू कैन क्रिएट एप्लीकेशन, यस विदाउट सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट क्रिएट एप्लीकेशन। जब हम काम कंपनी लेवल का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होना बहुत जरूरी, हम स्टूडेंट में नहीं है, कॉलेज में नहीं है कि हमको फ्री का चीजें मिल जाएगा। जब कंपनी लेवल पे काम होता है तो एवरी सॉफ्टवेयर हैज इट्स ओन लाइसेंस, ऑथराइज्ड लाइसेंस, और जब लाइसेंस होगा तो यू हैव टू पे द मनी फॉर ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस। पहला पॉइंट सुन लो, पूछ करने के लिए और क्या आपको जियो ने फ्री का आदत क्यों लगाया? फिर तो आप दोगे ही दोगे, सिंपल सी बात है, इतना सा बिजनेस है। 10 नेटवर्क रेडी पीसीज विद सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर एट द रेट ऑफ 2450 ईच। मान लीजिए 10 सिस्टम में आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, 10 लोगों की टीम है 10, और सबके सिस्टम में वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और 2425 रुपया हर सॉफ्टवेयर का चार्ज लग रहा है। सेकेंड, वन सर्वर एट द रेट ऑफ $3,500। जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे तो हमें सर्वर की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक सर्वर का मान लीजते हैं कीमत है $3,500, मतलब मोर देन 2 लाख रुपीज। छोटा सर्वर होगा, मोर देन 2 लाख रुपीज। थ्री प्रिंटर्स ले लिए, सब हम लोग किराए पे ले रहे हैं, थ्री प्रिंटर्स ले लिए, एक प्रिंटर का अगर हम खरीद ही लें तो अच्छा ज्यादा होगा, या जैसा हमारे पास इकोनॉमिकली कैसा उस सॉफ्टवेयर के लिए, तो थ्री प्रिंटर्स लिए मान लो ₹1,000 या ₹2,000 जो भी पड़ रहा हो। सेकंड, कैबलिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्ज, कैबलिंग मतलब
आप ऑफिस बनाओगे तो केबल करोगे कि 10 सिस्टम जो लिए सबको आपस में कनेक्ट करोगे कि नहीं, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को बड़े बड़े वॉल्यूम को डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको केबलिंग की जरूरत पड़ती है। और फिर सेल्स सपोर्ट सॉफ्टवेयर, उसको सेल्स करना है तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी कि नहीं, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाए बिना मार्केटिंग किए उस सॉफ्टवेयर का क्या करोगे, आप बिना बेचे उस सॉफ्टवेयर का क्या फायदा आपके पास। सेकंड, ट्रेनिंग कॉस्ट। मान लीजिए आपकी कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है कि जावा के बंदे काम करते हैं, आपकी कंपनी में जो बंदे हैं अधिकतर जावा के बंदे हैं, और जो आपका प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट आ गया या जावा के अंदर ही आप मान लीजिए जो बच्चे काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो कोर जावा पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? कोर जावा पे काम आ गया, J2E का काम आ गया, EJB का काम आ गया, हाइबरनेट का काम आ गया, तो बच्चे कर लेंगे क्या कोर जावा वाले? कंसेप्ट बहुत कुछ मदद मिलेगा लेकिन बच्चे काम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आपको टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो यू हैव टू गेट ट्रेनिंग ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, आपको उस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कैन नॉट वर्क। तो मान लीजिए 8 पीपल हैं, तो मान लो कोई ट्रेनर आ रहा है आपको ट्रेनिंग देने, मान लीजिए 10 लोग को ट्रेनिंग देना है 15 दिन के लिए, तो 400-500 रुपीज इच एक आदमी को पर डे देना पड़ेगा एक आदमी के हिसाब से। फिर कीबोर्ड और स्किल्स चाहिए, सेल सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अदर कॉस्ट, लॉस्ट टाइम, लॉस्ट सेल्स, डिस्ट्रप्शन एस्टिमेट, टोटल कॉस्ट इतना आया। तो टोटल कॉस्ट निकाले कि हमने प्रोजेक्ट शुरू किया इतना डॉलर, इतना डॉलर, एक दिन में 8 महीने का खर्च ये निकल गया। तो आप कॉस्ट बेनिफिट लिख लो, आप लोग लिखो, सब लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर, एवरीबडी इज लिस्निंग मी और एवरीबडी यस सर, नाउ, बैठे टोटल हुए हैं सर, कॉस्ट सुन बेनिफिट एनालिसिस पे ही करते बेटा कि हम लोग एक चीज कॉस्ट। सर, हाँ बोलो आगे, उसके उसमें दोस्ती नहीं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, हार्डवेयर का कॉस्ट, कीबोर्ड का कॉस्ट, प्रिंटर का कॉस्ट, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का कॉस्ट, टेस्टिंग का कॉस्ट, डिजाइनिंग का कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट, हार्डवेयर कॉस्ट, सब कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट, सारे कॉस्ट को जोड़ लेते हैं कि हमें टी कॉस्ट, कॉफी कॉस्ट, उसको मिसलेनियस कॉस्ट बोलते बेटा। क्या बोलते हैं? मिसलेनियस। जो अदर कॉस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस कॉस्ट। ठीक है, तो सब कुछ हम जोड़ लेते हैं। अब लिखो बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, लिखिए आप लोग थोड़ा, बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन कवरेज, बाकी तो लिखे लोगों ने एग्जाम में, बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। देखो, कॉस्ट स्लैश बेनिफिट एनालिसिस इज ए बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट स्लैश बेनिफिट एनालिसिस इज ए कॉस्ट स्लैश बेनिफिट एनालिसिस इज ए पावरफुल कॉमा वाइडली यूज्ड व्हाट सर? कॉस्ट स्लैश बेनिफिट एनालिसिस इज ए पावरफुल कॉमा वाइडली यूज्ड एंड रिलेटिवली इजी टूल फॉर एंड रिलेटिवली इजी टूल फॉर डिसाइडिंग वेदर टू मेक ए चेंज, फुल स्टॉप। आगे लिखो आप लोग,
cost slash benefit analysis can be carried out using only financial costs, using only financial costs and financial benefits. तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो. लिखो इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस we are analyzing of software cost, comma, hardware cost, comma, implementation and post implementation cost. Implementation and post implementation cost and miscellaneous cost, comma dekh likhna hai, comma miscellaneous cost and human resource mein kya kya aa jayega batao. तुम बताओ लैपटॉप मैन, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट में क्या जाएगा? वर्कर सर. यहाँ वर्कर थोड़ी बोलोगे, यहाँ बोलोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर. वही हो गया सर. कोडर चार्ज, जो कोडिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर कोडर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, बिजनेस एनालिस्ट है कि नहीं? एग्जाम में लेवल चार्ज. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. लिखो आप इसी में लिखना, समझ गए कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. इसी में लिख लो दो लाइन लास्ट में. लार्ज प्रोजेक्ट्स आर, लिखो इसी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, लार्ज प्रोजेक्ट्स आर इवेल्यूटेड using capital budgeting. ठीक है. अब होता कि अब लार्ज प्रोजेक्ट से इसे बैंकिंग का प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें लार्ज कैपिटल इन्वॉल्व हो जाएगा. रेलवे का आपको बनाना है, क्रिश IRCTC है, कितने लोगों का डेटा रखती होगी अंदाज लगाओ. चाहे अमेजन है बिग बिलियन डे में, फ्लिपकार्ट है, कितना बड़ा डेटा है उसके अंदर. सब डेटा को संभाल के रखना, उसमें कॉस्ट बेनिफिट क्या लगाओगे, उसमें बहुत बड़ा बजट चाहिए. अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बिजनेस सिस्टम एनालिसिस. बिजनेस सिस्टम एनालिसिस क्या होता, कवरेज. व्हाट डू मीन बाय बिजनेस सिस्टम एनालिसिस? बिजनेस सिस्टम एनालिसिस का मतलब क्या समझते, तुम बताओ. क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ. तुम बताओ बिजनेस सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? हाँ
यहाँ पे ये बोल सकते हो एप्लीकेशन के लिए इंफॉर्मेशन का गैदरिंग करना, ये प्रोसेस क्या करता है, बिजनेस सिस्टम एनालिसिस का प्रोसेस है कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उस एप्लीकेशन के, उस सॉफ्टवेयर के, उस कंपनी के, और जो उसके स्टेक होल्डर्स प्लस जो भी उसका काम है, एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन। मैं बोल देता हूं, लिखना कोई नहीं। दिस प्रोसेस involves interviewing stakeholders and gathering information required to assist us in the development of a web application which closely resembles your business model. In most cases, our clients use the following types of services. बात समझ रहे हो आप लोग? इसमें होता प्रोजेक्ट का रोडमैप। रोडमैप का क्या मतलब समझे सौरभ आप? उसके बगल क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम? नाम रिशु। प्रोजेक्ट का रोड मैप से क्या समझे आपको? कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे उसका रोड मैप क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय रोड मैप ऑफ एनी प्रोजेक्ट? डेटा फ्लो और बजट भी जरूर है। और सुन लो, Project roadmap helps you understand which resources are required at various stages of the project. इसमें होता कि कौन सा रिसोर्स आप सोच सकते होंगे जिसमें हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते होंगे, उसमें हमें कोडिंग की जरूरत है। आज हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के, उसमें कोडिंग के सॉफ्टवेयर की जरूरत तो नहीं होगी। उसमें हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो इंफॉर्मेशन को गैदर करके रख सके। जब हम टेस्टिंग करते होंगे तो उसमें तो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत है, नहीं ना? टेस्टर की जरूरत है। तो कौन सा रिसोर्स, विच टाइम विच रिसोर्स इज नीडेड, दैट इज द रोड मैप ऑफ द प्रोजेक्ट। फिजिबिलिटी स्टडी के टाइम में आप कॉस्ट एनालिसिस करें तो आपको कॉस्ट की एनालिसिस करनी चाहिए कि आप टेक्निकल में घुस जाओगे। उस समय जब टेक्निकल का काम आप कर रहे हो तो कॉस्ट में नहीं घुसोगे, जब कॉस्ट का काम कर रहे हो तो आप लीगल में नहीं घुसोगे। जो काम है सब वन बाय वन स्टेपिंग से होना चाहिए। देखिए, प्रोजेक्ट रोड मैप बिजनेस सिस्टम एनालिसिस के अंदर आप लोग लिखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट रोड मैप लिखो। प्रोजेक्ट रोड मैप सर बिजनेस सिस्टम एनालिसिस में क्या बिजनेस सिस्टम एनालिसिस होता है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गेदर करना, ठीक है? अब लिखिए, इसमें पॉइंट बनाइए या पहले लिख लीजिए बिजनेस सिस्टम एनालिसिस में लिखिए, इन बिजनेस सिस्टम एनालिसिस we are gathering information required to assist us in the development of application. मतलब इसमें क्या किया हम बिजनेस सिस्टम एनालिसिस में हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया। डेटा रिशु, हम अगर डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन कलेक्ट द डेटा? व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन कलेक्ट द डेटा, थ्रू विच वी कैन गेदर द डेटा, गेदर द इंफॉर्मेशन? क्या तरीके हैं जिससे हम डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं?
या क्या सोर्सेज है जहां से हम डेटा ला सकते हैं। वेरी गुड, क्वेश्चन आयर के थ्रू, वेरी गुड, वेरी गुड, और फीडबैक के थ्रू, रिकॉर्ड के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, ठीक है। अब लिखे इसी में लिखना प्रोजेक्ट रोड मैप, प्रोजेक्ट रोड मैप, बिजनेस सिस्टम एनालिसिस का नेक्स्ट पॉइंट लिखे प्रोजेक्ट रोड मैप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रोड मैप में क्या करते, पेज नंबर कितना लिखा रहे सर? क्या बेटा, प्रोजेक्ट रोड मैप ये होता है, पहले मैं बोल देता हूं कि प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे होगा, प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे होगा, दूसरा प्रोजेक्ट मूव कैसे करेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट मूव कैसे करेगा, प्रोजेक्ट के लिए क्या अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हमें कोडर की जरूरत नहीं है, जब कोडर का कोडिंग चल रहा है तो टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग चल रहा है तो एनालिसिस की जरूरत नहीं, जो स्टेपिंग है, तो एचडीएलसी का स्टेपिंग है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, पहला होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकेंड फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड एनालिसिस, फोर्थ डिजाइन, फिफ्थ कोडिंग, सिक्स टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो इनमें जो रिसोर्स की जरूरत होगी, मान लो एनालिसिस के टाइम में डिजाइन की जरूरत नहीं होगी, डिजाइन के टाइम में कोडिंग की जरूरत नहीं होगी, जिस टाइम में कौन सा रिसोर्स किसको चाहिए, किस टाइम में एनालिसिस करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत नहीं है, उसमें बिजनेस एनालिसिस कोई वेटिंग में है, कौन है वेटिंग में, अब सुनो, लिखो प्रोजेक्ट, लिखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट रोड मैप, आप लोग लिखिए प्रोजेक्ट रोड मैप हेल्प्स यू, प्रोजेक्ट रोड मैप हेल्प्स यू अंडरस्टैंड विच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, which resources are required at various stages of the project, at various stages of the project, comma, SAGs, AWS, EWS, SAGs, SAGs, the overall risk and opportunities, overall risk and opportunities and allocate a and allocate a hello allocate a realistic timeline and allocate a realistic timeline and budget and budget sir allocate ke baad kya and allocate a realistic timeline and budget for the for the successful completion and implementation of the project, for the successful completion and implementation of the project, completion and implementation of the
प्रोजेक्ट। नेक्स्ट लिखिए इसी में बिजनेस सिस्टम एनालिसिस में प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक सोच, अगर हम उसको पेपर और पेन ड्रॉ नहीं किए तो एक सोच है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ब्लूप्रिंट मतलब एक आप मैप कह सकते हो, एग्जिस्टेंस तो उसका नहीं है लेकिन मैप है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कैसे होगा कि हम रेल लाइन ऐसे बनाएंगे, तो दैट इज ए ब्लूप्रिंट, दैट इज ऑन पेन एंड पेपर। बट जब वो बन गया, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो गया, तब वो ऑब्जेक्ट हो गया, जब तुम लोग समझते हो सारी बात, और जब तक वो नॉर्मल है। ब्लूप्रिंट मतलब एक सोच कह सकते हैं, एक थिंकिंग लेवल। देखिए प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, ब्लूप्रिंट क्या होता ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई बताएगा? प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स। फ्लो चार्ट सर। फ्लो चार्ट इज ए पार्ट ऑफ ब्लूप्रिंट, वेरी गुड। और बताओ, और ब्लूप्रिंट का सर एक तरह का रोड मैप है। वेरी गुड। और सर कोड भी हो सकता है सर? क्या हो सकता है? कोड सर मतलब जो खुद वो समझे कि ये करना है, ये करना है। हाँ, तो ब्लूप्रिंट मतलब ऐसा होना चाहिए, दैट इज नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस। वो चीज बना नहीं, ऐसा सोचा गया है कि ऐसा ऐसा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? देखिए इसमें आप कह सकते हो प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट इज ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डायग्राम, डीएफटी, फ्लो चार्ट, डेटा डिक्शनरी। बोल सकते हैं हम लोग ऑनलाइन? लिखो सब लोग, प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट इज ए, प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट इज ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डायग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड डायग्राम्स सच एज फ्लो चार्ट, सच एज फ्लो चार्ट, कॉमा। सर शुरू से एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। देखो प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट इज ए, क्या बोले थे किताब से नहीं लिखा, क्या बोलते? प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डायग्राम। सुनो, प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट इज ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डायग्राम such as DFD, comma, such as DFD, comma, data flow diagram, such as DFD, DFD का full form होता है data flow diagram, comma, flow chart comma, data symbols, data dictionary, ठीक है। Everybody in software development process everybody in software development process
everybody in software development process follows the project blueprint for developing web application चाहे बिजनेस एनालिस्ट हो, चाहे सिस्टम एनालिस्ट हो, चाहे डेटा एनालिस्ट हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे टीम लीडर हो, चाहे सॉफ्टवेयर कोडर हो, चाहे सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, सब लोग इसी ब्लूप्रिंट को यूज करता है समझने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बच्चा इसमें अटेंडेंस भेज देगा, कौन है? यस सर। सीआर आदित्य है क्या? यस सर, भेज दे। एंडिंग द मीटिंग्स प्लीज सेंड द अटेंडेंस ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यस सर, वन मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा बना रहे हैं तुम लोग, बेसकीमती हीरे हो, कैसे छूट जाओगे? जैसा बात है सर, आपने समय दिया है यहाँ आकर, ये बहुत बड़ी बात है। सब छूट सकते हैं, आप नहीं छूटेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। भेज दिए बेटा आप लोग? अच्छा, सीआर भेज रहा है। छूट गया सर। यस सर, हो गया अटेंडेंस, लीव कर सकते हैं। हो गया ना? यस सर, मीटिंग एंड कर सकते हैं। हम एंडिंग द मीटिंग। यस सर। सर क्लास का लिखे तो यार ये वन ड्राइव चलना बंद हो गया अचानक, गूगल वगैरह अटेंडेंस अपलोड नहीं हो रहा है। तुम इसका मोबाइल पर तुम लोग भेज दो पांचों बच्चे का। लोग लीव कर जाए सर।